गाइस और गुड इवनिंग टू ऑल। तो शाम का वक्त है, देख सकते हैं सूरज छाले भी अभी भी है। तो आज हम दिगारो जा रहे हैं, दिगारो घाट आलूबारी ब्रिज। तो अभी हम लोग है चकमा बस्ती में, देख सकते हैं यहाँ का नजारा। आज धूप है, शायद हमको दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ब्रह्मपुत्र था पहले, बहुत बड़ा बाढ़ के वजह से अभी पूरा मतलब नजारा देख सकता है। देखो मैं बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, आज हम तीन जन जा रहा, साइना में मेरा बहन, और ये रहा गाइस वहाँ पे जो पहाड़, आप लोग को वहाँ पे जो पहाड़ दिखाई दे रहा ना, वो सब जो कि तेजू का पहाड़, परशुराम कुंड का पहाड़ पूरा बढ़िया से दिखाई दे रहा, क्योंकि धूप है ना आज। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा, तो मैंने सोचा कि दिगारो घाट जाता घूमने के लिए, व्यू भी दिखा देगा। किसी दिन हो सके तो मैं उस तरफ जहाँ मैं आप लोग का आगे में दिखा दे रहा हूँ, नदी का किनारा किनारा, वो शायद में ब्रह्मपुत्र है, तो वही नदी है जो कि नीचे जाकर दिगारो हो जाता है, तो वहाँ पे जाएंगे आज हम। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं गाइस, मिलते हैं सीधा हाईवे पे, लेट्स गो द गाइस एंड एंजॉय द ट्रैवल। गाइस हम लोग दिगारो घाट पहुंच गया, दिगारो ब्रिज। तो आने का आते समय थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि रास्ता ऐसे तो 75% ठीक ही था, 25% थोड़ा बहुत खराब था, फिर भी थोड़ा बहुत लेट हुआ। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अभी कुछ भी लिखा नहीं गया, नज़ारा देख सकते हैं आप। रुको मैं बैक कैमरा, ये देखिए गाइस खूबसूरत नज़ारा, वाओ दिगारो घाट का पूरा माउंटेन देख सकते हैं आप। ये है ब्रिज, ये 3.3 किलोमीटर ऐसा कुछ है। ये फुल स्पीड में मैंने एक बार आया था, 3 मिनट लगता है इसमें। और ये रहा नीचे में ब्रह्मपुत्र। तो अभी हम ये पुल का नजारा दिखा देंगे गाइस स्कूटर से चल के, फिर बाद में वहाँ पे पहुँचने से दिगारो घाट का बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें वो थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे आप लोग का साथ। तो लेट्स ट्रेवल गाइस। फाइनली हम लोग ब्रिज कवर कर लिया, लगभग हमें लगा
पाँच मिनट ऐसा लगा, जो कि 3.5 किलोमीटर ऐसा लंबा है ये ब्रिज, जो कि दिगारू ब्रिज कहा जाता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसका शुरुआत, कंस्ट्रक्शन शुरुआत 2009 को या 10 को हुआ था। उस समय मैं बहुत छोटा था, पिताजी लोग का, मम्मी लोग का साथ मैं पिकनिक आया था दिगारू गांव में, तो उस समय ये ब्रिज शुरुआत हुआ था। लेकिन इसका इनोग्रेशन शायद आई थिंक कि इसका इनोग्रेशन 2015 या 16 को हुआ था। तो अभी ये ब्रिज नहीं था, बहुत तकलीफें उठाना पड़ता था हमें, जो कि पहले हमारा वो नामसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट कोड या फिर कुछ काम आने से हम लोग डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ते ना, तो डिस्ट्रिक्ट जाते समय हम लोग को तेजू जाना पड़ता था। तो तेजू जाते समय अगर वहाँ से परशुराम कुंड से जाता है तो पूरा एक दिन लग जाता है, ठीक है। और सीजन बारिश का सीजन, रेनी सीजन में तो गाइस पहाड़ का इलाका तो लैंडस्लाइड होने का भी चांसेस रहता है, पहाड़ गिरते ऊपर से। बहुत सारे कॉलेज स्टेडियम का भी मौत गया उसमें। तो ये फायदा कि ये ब्रिज जब से बन गया पूरा फायदा ही फायदा हुआ हमें। और गाइस मैं बता दूँ, ये ब्रिज एकमात्र ऐसा ब्रिज है जो कि ईस्टर्न अरुणाचल से, अरुणाचल से होकर ईस्टर्न अरुणाचल या वेस्टर्न अरुणाचल से जुड़ता है। और नामसा से तेजू, लोहित डिस्ट्रिक्ट नामसा से तेजू, ये एकमात्र ब्रिज है जो कि आधा घंटा में तेजू पहुंच जाते हैं हम चौकम से। आजकल यहाँ पे आधा घंटा भी नहीं लगता। ये ब्रिज जब से बन गया पूरा यहाँ का लोगों को फाइनेंशियली इनकम, फाइनेंशियली मतलब डेवलपमेंट, और फिर बहुत सारे समय का मतलब बचाव होता है ये ब्रिज से। तो गाइस ये था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो ब्रिज का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा और जितना हो सके नज़ारा। तो लगे रहे गाइस हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो थैंक्स फॉर देम। सो गाइस नज़ारा दिखा देता हूँ अभी। तो गाइस ये रहा पुल का नज़ारा, ब्रिज का नज़ारा, रुको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। अरुणाचल ऐसा जगह है ना कि चारों तरफ से पहाड़ से ढका हुआ है, क्योंकि वो जो आप लोगों को माउंटेन, ब्लैक माउंटेन दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली वो पहाड़ जो अनोनी या फिर तेजू का पहाड़ है। और उस तरफ का पहाड़ तो परशुराम का है, कुछ पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा गाइस नजारा ब्रिज का, और इस तरफ जाता है गाइस तेजू। अगर आप तेजू में कभी आते हैं तो दिगारू ब्रिज, तो इसमें फोटो शूटिंग कर सकते हो। तो उस तरफ जो नीचे का तरफ दिखा जा रहा है ना गाइस, और शायद आगे में धुआं भी उड़ रहा है, वहाँ पे पार्टी करने आते हैं लोग, क्योंकि ऐसा जगह ना पूरा स्विट्जरलैंड जैसा जगह है। तो मैंने लगता है कि आज हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अकेले हैं तो अकेले में उतना मज़ा नहीं आता। तो किसी दिन पार्टी करने आएगा तो मैं ज़रूर उसका ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली तो दिसंबर 10 को यहाँ पे आने वाला है हम लोग पार्टी, बर्थडे पार्टी मनाने प्रिया का। सो गाइस अभी हम लोग जाने वाला है वापस से फिर से आगे का तरफ, तो आगे में जितना हो सके नज़ारा दिखा देगा। तो जहाँ पे फॉरेस्ट दिखाई दे रहा ना, फॉरेस्टर का वो पत्ता गच्ची कहता है, तो वहाँ पे दिखा देंगे, देख सकते हैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा गाइस, तो वहाँ पे जाने वाला है हम, वो जो आप लोग को फॉरेस्ट दिखाई दे रहा ना, वो एक्चुअली फॉरेस्टर का है। हाँ, तो वहाँ पे दिखा नजारा दिखा रही है। रहा फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट था शायद, एक्चुअली रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्टर का ये कुछ खट्टा गच्ची कहते ना, वो खट्टा पान में कुछ लाल होने के लिए लगाते ना, ऐसा गच्ची है ये। तो ये पूरा जो कवर फॉरेस्ट है ये फॉरेस्टर का एक्चुअली, ये मतलब प्लांटेशन के द्वारा किया गया, ऐसे वाइल्ड सिस्टम नहीं है, जंगल नहीं है,
ये मतलब फरस्ता के द्वारा लगाया गया ये पौधे। तो गाइस आगे में जितना हो सकेगा मैं आप लोग को फिर से नज़ारा दिखा दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना, फिर अभी फिर जाएंगे पुल का तरफ, वो जो आगे में दिखा दे रहे आप लोग को, तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। सो गाइस अभी हम हैं बिल्कुल बीच के एकदम मिडिल पार्ट में। इस तरफ भी जितना लंबा है और इस तरफ भी इतना ही लंबा होगा। तो देख सकते हैं नज़ारा दीगारों का, दीगारों बीच से माउंटेन पर येलो। और ये रहा गाइस नदी। मोबाइल का शायद ऐसे लेके जाने में भी डर लगता है, गिर जाएगा तो ख़त्म। देख सकते हैं गाइस नदी का बहुत बहुत बड़ा नदी है। हाथी भी शायद इसमें सांस ले नहीं सकेगा, डूब जाएगा पूरा। तो इस तरह से है गाइस दीगारों ब्रिज का नज़ारा। तो नीचे जाके ये नदी पूरा बड़ा होकर ब्रह्मपुत्र बन जाता है आसाम में। तो हम लोग ज़्यादा सा इंजॉय कर रहे हैं ये दीगारों ब्रिज, और मैंने सोचा कि आप लोग का साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करूँ ये इंजॉय। सनलाइट इफेक्ट देख सकते हैं, इस तरह सूरज डूबने वाला हो गया है। डूबने वाला नहीं, अभी भी काफ़ी मतलब सूरज डूबने वाला बाकी है। तो मैं इस तरफ जाके थोड़ा दिखा देता हूँ नज़ारा। गाइस गाइस गाड़ी आ रहा है। तो गाइस इस तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है नदी। शायद थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया। गाइस इतना स्पीड जा रहे ना ये लोग शायद बोध में नहीं पता कि स्लो ड्राइव तो लॉन्ग लाइफ ना। जितना धीरे जागो उतना जिंदगी लंबा होगा, जितना स्पीड जागो उतना जल्दी लाइफ ख़त्म होगा। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, आगे में और थोड़ा बहुत नज़ारा हो सकेगा तो मैं दिखा दूंगा। तो गाइस पुल का नज़ारा नीचे से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कितने बढ़िया से बनाया गया। तो वह नदी और पहाड़, सुंदर सा पहाड़ आगे में, खूबसूरत नज़ारा। शाम का वक्त हो रहा है। मैं इस वक्त जहाँ हूँ ना एकदम खतरनाक जगह पे हूँ, एकदम खतरनाक स्थिति पे। वो आने के लिए सोच रहा है लेकिन उसको आने नहीं दे रहा क्योंकि पहाड़ जैसा है ये, देख सकता है। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, जाने का वक्त हो गया, वीडियो को शायद एंड करने वाला टाइम आ गया। सो गाइस अभी हम लोग दीगारों ब्रिज से जाएंगे घर की तरफ। तो ये रहा नज़ारा, नज़ारा बहुत देख लिया होगा आप लोगों ने। तो वीडियो को आज यहीं तक एंड करता है। तो मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके पूछिए कि कैसा लगा नज़ारा आज का, क्योंकि आज इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज आ जाते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके पूछिए कैसा लगा वीडियो पे, अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस बाय बाय, मिलते ऐसे कुछ और वीडियो के साथ।